अब दूसरा हमारे पास होता है जी पेमेंट गेटवेज में स्ट्राइप। ठीक है, अब पेमेंट गेटवेज में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने की काफी ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, लाइक उसमें पाकिस्तान में अवेलेबल तो टू चेकआउट है, लेकिन मैं टू चेकआउट को भी चेक कर चुका हूँ, काफी दफा उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, लेकिन कोई मतलब कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि वो काफी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि जी आपका बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लीगल अथॉरिटीज क्या है, ये वो ना, तो वो अप्रूव्ड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, इसमें से काफी मैं यूज कर चुका हूँ, उनमें से कोई भी मतलब मेरे हिसाब से तो कोई इतना मतलब नहीं सक्सेसफुल रहा। हाँ, स्क्रिल है, आप मैं स्क्रिल यूज नहीं कर सका अभी तक। आप स्क्रिल ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको स्क्रिल एज ए पेमेंट गेटवेज यहाँ पर मिल जाता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर ये सक्सेसफुली चल रहा है तो। और नेक्स्ट आपके पास है स्ट्राइप, ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये चीज आप लोग मतलब यूज कर सकते हैं, स्ट्राइप अकाउंट। ठीक है, अब स्ट्राइप क्या है कि एक पेमेंट गेटवे ही है। ठीक है, जिस तरह सिंपल आपका पेपॉल है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर ये सक्सेसफुली आप बना लें अकाउंट स्ट्राइप का, तो आप जो है ना यहाँ पे अपनी वीजा कार्ड या कार्ड की सहूलत दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, कि वो कार्ड के साथ चेकआउट कर सके सिंपली। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है, ठीक है, स्ट्राइप का। लेकिन स्ट्राइप का अकाउंट तब बनेगा जब आपका एक स्टोर कंप्लीट बन चुका होगा। ठीक है, सो आपको पहले हमने यहाँ पर एक स्टोर कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, और जब स्टोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों ने स्ट्राइप का अकाउंट बनाना है। ठीक है, stripe.com के ऊपर, और उसकी डिटेल वो कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत आसान है, लेकिन एक मतलब श्योरिटी के साथ कि आप लोगों ने इसको आगे नहीं फैलाना। ठीक है, कोशिश करनी है कि ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइप बनाने का, वो अपने अपने तक ही रखना है, इसको आगे नहीं फैलाना, कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि जो चीज हम बना रहे हैं आगे मतलब वो चलती रहे, ये ना हो कि उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए। ओके, हो गया, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर इसमें हर चीज के कैसे आप स्ट्राइप बना सके। इसके लिए आपके पास स्टोर है आपका, अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और वो आप फिर अप्लाई करेंगे तो होपफुली जो है ना आपका वेरीफाइड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और काफी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ा डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ अपने मतलब स्ट्राइप अकाउंट का। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और भी 2-3 अकाउंट्स हैं जिसके वो मैं रन करा रहा हूँ, तो ये एक अकाउंट मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ कि सिंपल है, इजीली आप जो है ना यहाँ से पेमेंट अपने पियोनियर के अकाउंट में मतलब ले सकेंगे। अब जिनका पियोनियर का अकाउंट नहीं है, वो काइंडली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कह दिया था कि वो पियोनियर का अकाउंट बना ले, क्योंकि पियोनियर जरूरी है स्ट्राइप अकाउंट के लिए। ठीक है, पियोनियर का अकाउंट होगा तो ही आपकी पेमेंट जो है ना वो आपके अकाउंट में जाएगी पियोनियर के। ठीक है, आप विड्रॉ कर सकोगे स्ट्राइप अकाउंट से। ओके, हो गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। यहां पर आपकी पेमेंट आ रही होती है, ठीक है, और उसके बाद आपके बैलेंस आ रहे होते हैं, कितनी आपकी पेमेंट आई, बैलेंस कितना आया उसमें, आपके बाकी कितनी पेमेंट रहती है, फ्यूचर पेमेंट कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। ठीक है, तो आप लोग यानी कि ये अकाउंट इसी तरह आपकी, और ये कुछ पे आउट मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ कि यहाँ से पेमेंट आपके स्ट्राइप अकाउंट में जाएगी। ठीक है, सॉरी, पियोनियर के अकाउंट में जाएगी। ये सारी विड्रॉल्स है मेरी, तकरीबन अराउंड 70 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये सारी मेरी बैंक्स में जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पियोनियर का अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली स्ट्राइप अकाउंट से पियोनियर के अकाउंट में कर सकोगे।
ओके okay, अभी पेमेंट गेटवे का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो अब हम बाकी सेटिंग जो शॉपिफाई की है वो मैं डिस्कस करता हूँ कि आपकी मतलब किस तरह आप बाकी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, थीम कैसे लगा सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर देखते हैं। ओके जी, ये हमारी तकरीबन पेमेंट गेटवे और सेटिंग्स वगैरह ये सारी क्लियर हो चुकी हैं।